तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा के बारे में पूछे जाने वाले 10 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर यहाँ बात करें फेसबुक पर अलग अलग माध्यम से बहुत से लोग पूछते हैं मेरे पास। यहाँ पर बात करें हम 2 साल 2.5 साल का जो मेरा अनुभव है, ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि डी फार्मा मेडिकल फील्ड का सबसे अच्छा कोर्स है। क्या ऐसा वाकई में है? तो इसका आंसर अगर हम ऐसे डायरेक्टली दें तो नहीं, लेकिन हाँ है भी, मतलब नहीं और है का मतलब ये है, देखिए कि डी फार्मा एक तरह से यहाँ पे बदनाम भी हो चुका है, नॉन अटेंडिंग 100%। तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हो कि ये जो है मेडिकल फील्ड का सबसे अच्छा कोर्स है, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। बहुत अच्छा कोर्स नहीं है, लेकिन बुरा भी कोर्स नहीं। अगर आप सही से पढ़ते हो, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, तो एक ठीक ठाक कोर्स है, लेकिन ये बोलना सही नहीं है कि मेडिकल फील्ड का सबसे अच्छा कोर्स डी फार्मा है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग को हम दे दिए। यहाँ पे दूसरा मेरे पास जो क्वेश्चन है, डी फार्मा करने के बाद हम दवा कर सकते हैं, यानी हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम जो है किसी मरीज का जो है देख रेख करेंगे, उसका डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो भाई, डी फार्मा करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा आप सोच करके डी फार्मा करने आ रहे हो, तो पहले ही आप डी फार्मा मत करो। ठीक, यहाँ पे बात करें हम तीसरा क्वेश्चन की, तो तीसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डी फार्मा करने के बाद हम कितने जो है मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, यानी मुझे कितना लाइसेंस मिलेंगे। तो भाई, चाहे आप डी फार्मा करो या बी फार्मा करो या एम फार्मा करो, अगर आप एक बंदे हो तो आपका मात्र एक ही लाइसेंस बनेगा। जिस तरह से ड्राइवरी लाइसेंस होता है DL, ये भी होता है DL, तो ड्रग लाइसेंस या ड्राइवरी लाइसेंस एक ही बन सकता है। जिस तरह से आधार कार्ड आपका एक ही बन सकता है, उसी तरह से जो आपका फार्मासिस्ट के यहाँ पे लाइसेंस बनता है, तो वो एक ही बन सकता है। ठीक, इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम बोल सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन, कि हम डी फार्मा करने के बाद अगर बी फार्मा कर लेते हैं, तो एक डी फार्मा वाला लाइसेंस रहेगा और एक बी फार्मा वाला लाइसेंस रहेगा। तो भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडिशनल क्वालिफिकेशन एड होता है आपका। अगर आप डी फार्मा करने के बाद रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए हो, इसके बाद आप बी फार्मा करने वाले हो, तो आपका वो जो है कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जब आप बी फार्मा कर लोगे, तो आपका एडिशनल सर्टिफिकेट उस पर एड कर दिया जाएगा, एडिशनल क्वालिफिकेशन, और वही लाइसेंस आपका रहेगा। बस उस पर क्वालिफिकेशन आपका जो है डिप्लोमा के साथ साथ जो है बैचलर भी एड हो जाएगा। तो ये भी आपका डाउट क्लियर होगा कि डी फार्मा, बी फार्मा या फिर आप एम फार्मा भी करते हो, तब पर भी आपको एक ही लाइसेंस मात्र मिलने वाला है। इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन जो है आता है ज्यादातर, कि डी फार्मा कर लिए तो भाई जिंदगी सेट, लाखों रुपए कमाएंगे, बहुत पैसा है। भाई, ऐसा कुछ नहीं। हमने यहाँ पे देखा है कि डी फार्मा करने के बाद लोग 5-5 हज़ार की भी नौकरी नहीं पाते हैं, बहुत तो बेरोजगार भी रहते हो। तो ये सोच करके आप यहाँ पे आ रहे हो कि भाई इसको कर लेने मात्र से हमको एक जो है अपनी लाइफ सेट हो जाएगी और बहुत अच्छा हम नौकरी पा जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में और यहाँ पर आप फार्मेसी फील्ड में आना चाहते हो, तो आ सकते हो, अच्छा कोर्स है। लेकिन ये सोच करके आ रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा है और आ जाने के बाद मेरी लाइफ सेट, तो ऐसा कुछ नहीं। आप कोई IAS ऑफिसर या फिर ऐसे कोई बड़े पद हासिल करने वाले नहीं हो, एकमात्र फार्मासिस्ट बनने वाले, वो भी डिप्लोमा करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पे और जो है मेरे पास क्वेश्चन आता है कि डी फार्मा मतलब यहाँ पे, हाँ, डी फार्मा कर रहे हैं तो क्या मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए? तो इसका आंसर है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश को ठीक से पढ़ लेते हो, तो बहुत है आपके लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश कैसे वर्ड नहीं रहते कि आप एकदम इंग्लिश में टैलेंट हो, बहुत तरह से तभी आ सकते हैं। यूपी बोर्ड के पढ़े हुए जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं या फिर हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ स्टूडेंट आसानी से डी फार्मा कर सकता है। एक एवरेज इंग्लिश आना चाहिए, यानी इंग्लिश का कोई वर्ड लिखा हो तो इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है यहाँ पे इसलिए जरूरी हो जाती है थोड़ा सा, डी फार्मा जो है टोटल इंग्लिश में। कहीं कहीं जैसे हम बात करें यूपी में, तो यूपी में हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन पर देता है, तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मेरा अगर केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या मैं डी फार्मा कर सकता हूँ, यानी केमिस्ट्री वीक है तो हाँ, वीक है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वीक है तो कहीं ना कहीं आप ना कीजिए तो ही बेटर है। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश आपको थोड़ा वीक है फिर भी चलेगी, लेकिन केमिस्ट्री बहुत वीक है तो ना कीजिए, ये कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री वीक है तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका टोटल जो भी सब्जेक्ट मिलेंगे कहीं ना कहीं टोटल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड मिलेंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स,
तो इस तरह से यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ ज़्यादा ही आपको सब्जेक्ट मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है पूरा, फार्मूला से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसा ना हो कि आपको केमिस्ट्री वीक है और आप फिर केमिस्ट्री वाला ही फील्ड चुन रहे हो, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको केमिस्ट्री एवरेज आती है, आप सोच रहे हो कि हाँ मैं जो है एवरेज आती है मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा या फिर मुझे केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है और केमिस्ट्री पर कुछ खास लगाव नहीं है, कुछ विशेष ध्यान आप नहीं दे रहे हो, फिर भी आप यहाँ पर आना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है मैथ वाले स्टूडेंट का, कि जो यहाँ पे 12th मैथ से करते हैं, क्योंकि डी फार्मा या बी फार्मा हम बात करें तो चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी आप 12th में किए हैं, साइंस स्ट्रीम है आपका, तो आप कर सकते हैं। तो क्या मैथ वाले स्टूडेंट के लिए सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एकमात्र HAP जो आपका है, ह्यूमन जो है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें बी फार्मा की, हम डी फार्मा की बात करें, बी फार्मा की, तो बी फार्मा में जो यहाँ पे 10th में जो है कि 12th चाहे बायो से करके जाए या मैथ से करके जाए, उसको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। अगर वो मैथ से करके जाएगा तो उसको बायो पढ़ाया जाएगा, और जो यहाँ पे बायो से करके जाएगा उसको मैथ पढ़ाया जाएगा। तो भाई मैथ भी यहाँ पे बी फार्मा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंपल्सरी हो जाता है, अगर आप यहाँ पे बायोलॉजी भी 12th में पढ़े हो। फिर भी इसके बाद मेरे पास और जो क्वेश्चन आता है कि डी फार्मा जो है कितने सेमेस्टर का कोर्स है या फिर 4 सेमेस्टर का कोर्स है? बहुत से वेबसाइट पे, बहुत से आर्टिकल में, बहुत से वीडियो में यहाँ तक हम सुने हैं कि जो है डी फार्मा एक सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है, तो ऐसा नहीं है। बी फार्मा आपका सेमेस्टर है जिसके कि 8 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन डी फार्मा एक गलत है, सेमेस्टर बेस्ड नहीं है, ये ईयर पे इसका एग्जाम होता है। ऐसा नहीं कि जो है एक साल में 2 बार एग्जाम होगा, आपका 6 महीने पे एक सेमेस्टर तो 4 सेमेस्टर का कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेमेस्टर में डिवाइड नहीं है, ये ईयर में डिवाइड है, आपका ईयर पे एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दो मात्र फाइनल एग्जाम आपके होते हैं, ठीक। इसके बाद एक और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डी फार्मा नॉन अटेंडिंग कोर्स है? तो भाई बहुत से वीडियो में मैं इस चीज़ को क्लियर किया हूँ और बहुत से अलग अलग टाइप के वीडियो बना करके और थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐड करके, जैसे मैं इस वीडियो में क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ कि डी फार्मा एक नॉन अटेंडिंग कोर्स बिल्कुल नहीं है, मात्र ये नॉन अटेंडिंग बना दिया गया है कॉलेज वालों की तरफ से। बहुत से कॉलेज आपको कहेंगे कि हम डी फार्मा नॉन अटेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे रिलेटेड हम बहुत से वीडियो बनाते हैं कि आप लोग अगर यहाँ पर फार्मेसी करना चाहते हैं, अगर ख़ासतौर से डी फार्मा करना चाहते हैं या फिर बी फार्मा भी करना चाहते हैं, अगर कोई नॉन अटेंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपको ऑफर दे रहा है कि मैं 100% रिजल्ट दूंगा और नॉन अटेंडिंग, तो आप अगर यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो तो भाई नॉन अटेंडिंग पढ़ के आप क्या करोगे? फिर वही हो जाएगा जो हम कम्युनिटी में यहाँ पे पोस्ट डाले थे कि डी फार्म जो है फार्मासिस्ट को नौकरी क्यों नहीं मिलती है, तो 80+ यानी 82% लोग यहाँ पे जो है वोट किए थे कि इसलिए नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि फार्मासिस्ट को जानकारी ही नहीं है यहाँ पे बात करें जो उसको होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ आपका होगा कि पढ़ने के बाद कहोगे भैया नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन पता चले कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है तो पता चला कि नहीं हमें ही जानकारी नहीं है इसीलिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसा गलती मत कीजिए। जो ये 10 क्वेश्चन थे आप लोग के, इसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी एडवाइस दे, अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं, फार्मेसी आना चाहते हैं, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसके साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आप लोग से कि इस वीडियो को सभी अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कि यहाँ पर फार्मेसी में आना चाहते हैं और फार्मेसी करना चाहते हैं, ताकि फार्मेसी के बारे में एक सही जानकारी मिल सके और ऐसा ना हो कि पैसे के लिए या फिर और कुछ सोच करके यहाँ पे फार्मेसी में आ जाए और आगे आके एक बोल सकते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन को बेकार सा समझने लगे या फिर और भीड़ कर दे और कुछ काम का न रहे। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसी तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।